हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डलकोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डलकोफ्लेक्स टैबलेट क्या है, क्या इसके काम है, कैसे इसको खाना होता है और किन किन फायदों में इसको लेने की सलाह दी जाती है, कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, और इसको जब कोई टैबलेट लेता है इसको तो उनको किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, सावधानियां क्या है, सब कुछ बात करेंगे। पूरा वीडियो को देखना है, थोड़ा सा पार्ट भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ज्यादा ना करते हुए बात करते हैं टॉपिक पर। तो डलकोफ्लेक्स टैबलेट, जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं डलकोफ्लेक्स टैबलेट की। इसके अंदर जो सॉल्ट होता है, इसके अंदर सॉल्ट होता है बिस्कोडिल। बिस्कोडिल जो है दोस्तों, वो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है। और इस टैबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो 12 रुपीज में 10 टैबलेट आपको मिल जाती है। इसकी सपोजिटरी भी आती है और टैबलेट फॉर्म में भी आती है। जो 5 mg की इसकी टैबलेट आती है, 10 mg की टैबलेट आती है, दो तरीके की स्ट्रेंथ में आती है। सपोजिटरी थोड़ी सी महंगी मिलती है और जो इसकी टैबलेट होती है वो उतनी महंगी नहीं मिलती है, वो सस्ती मिलती है। स्ट्रेंथ इसकी 5 mg और 10 mg, दो तरीके की स्ट्रेंथ में आती है। मैन्युफैक्चरिंग इसको जो बनाती है कंपनी, उसका नाम है सनोफी इंडिया लिमिटेड, इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में, इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, इस जो टैबलेट का यूज होता है, इसका जो फायदा होता है, इसका फायदा होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में। अगर किसी के पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज बनती है, उनको जो है टॉयलेट बहुत टाइट आती है, तो उन लोगों को ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। और एक जो कब्ज की प्रॉब्लम जो होती है, जैसे मान लो किसी को एक हफ्ते में 3 से कम बार उसको टॉयलेट आ रही है, तो उन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्ति, महिलाएं होती है जिनको ऑपरेशन होना होता है, तो ऑपरेशन होने से पहले उनका जो है पेट उनका साफ किया जाता है, तो उस टाइम पर भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। फिर कई बार कोई एग्जामिन करना होता है, कोई इंटेस्टाइन आंतों का कोई टेस्ट होता है या पेट का कोई टेस्ट होता है, तो उस टाइम पर भी कभी कभार इस टैबलेट को लिया जाता है, ताकि वो टेस्ट अच्छे से हो सके, वो जांच अच्छे से की जा सके। तो डायग्नोसिस के दौरान जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों को करने के लिए भी कभी कभार इस टैबलेट को दिया जाता है, कब पेट साफ हो जाएगा, जिससे कि टेस्ट अच्छे आएंगे। ये इसके फायदा होता है, खास करके जो इसका फायदा होता है वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में ही होता है। अब जो बात करते हैं काम कैसे करती है टैबलेट, तो ये जो काम करती है दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है एंट्रिक कोटेड होती है। मतलब एंट्रिक कोटेड का मतलब ये होता है कि आपके पेट में नहीं घुलेगी। जैसा आप इसको मुंह द्वारा खाते हैं तो ये आपके पेट में नहीं घुलेगी, ये जो है आपकी बड़ी आंत में चली जाएगी। वहां पर जाने के बाद जो म्यूकोसा होती है, तो म्यूकोसा की मोटिलिटी को बढ़ा देती है, जिससे कि कब्ज की समस्या खत्म होने लगती है। जो इंटेस्टाइन आंत के अंदर जो म्यूकोसा होती है, उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देगी, जिससे कि आपको स्टूल जो टॉयलेट है वो अच्छे से पास हो जाएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा और आपकी कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से काम करती है। लेना कैसे है इसको, इसकी जो डोज होती है उसकी बात करते हैं। तो इसकी जो डोज होती है दोस्तों, बच्चों में, अगर 5 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, 5 साल से 12 साल तक के हैं कोई बच्चे, 5 साल से नीचे वालों को नहीं देना है। तो 5 साल से ऊपर वाले जो 12 साल तक के, 13 साल तक के, उनको 5 mg की टैबलेट रात को सोने से पहले दी जाती है और सुबह उनका पेट साफ हो जाता है। तो इस तरीके से इसको लेना होता है। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट जो 12-13 साल से ऊपर वाले लोग हैं, तो उनको 2 टैबलेट रात को सोने से पहले ले सकते हैं। अगर मान लो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक भी ले सकते हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टैबलेट रात को सोने से पहले ले लें। जब वो सुबह उठते हैं तो उनका पेट साफ हो जाता है अच्छे से। दोस्तों, ये जो है थोड़ा सा टाइम लगाती है, 5-6 घंटे लगा देती है पेट साफ करने में, 4-5 घंटे। अगर आप चाहते हैं कि, मतलब आप सोच रहे हैं कि हम अभी टैबलेट खाएं और अभी हमारा पेट साफ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो 2-3-4-5 घंटे आराम से लगा देती है। इसके बाद आप चाहें तो इस टैबलेट को लेने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें, या फिर टैबलेट जो आप ले रहे हैं उसी टैबलेट को गुनगुने पानी से खा लें। दिन में एक ही बार लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। 5 से 7 दिन तक आप लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर मान लो आपको परमानेंट ठीक करना है अपना कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, कब्ज का प्रॉब्लम, तो कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि आप हाई फाइबर फूड खाने हैं, आपको अपने खाने में बदलाव करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्रूट्स खाने हैं, हरी सब्जियां खानी है, ऑयली फ्राइड फूड से बचना है आपको, तो फाइबर वाले फूड खाएं, फाइबर वाले खाने खाएं जिसमें कि ज्यादा फाइबर होता है, सलाद वगैरह खाएं। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो आपका जो है परमानेंट कब्ज की जो प्रॉब्लम थी आपको, वो ठीक होने लगती है, आपका पेट अच्छा रहने लगता है। अब जानते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट वैसे तो इसमें इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते, लेकिन ज्यादातर जैसे कुछ केसेस में किसी को दस्त लग सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, या फिर पेट उसका डिस्कम्फर्ट हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। अगर मान लो कोई ओवर डोज ले लेता है, ज्यादा डोज ले लेता है, तो उनको दस्त लगने की शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अगर ये टैबलेट चलती है तो। दोस्तों,
अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, महिला ऐसी है जिसको दस्त लगे हुए हैं, डायरिया हो गया है, तो उन लोगों को ये टेबलेट भूल कर भी नहीं देना है। इसके अलावा कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस मतलब हाथों में उनके सूजन हो गया है, उन लोगों को भी ये टेबलेट नहीं देना है। कोलाइटिस वगैरह स्वेलिंग वगैरह जो हो जाता है उसमें भी ये टेबलेट नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने आपको डेलकोलैक्स टेबलेट के बारे में काफी अच्छे से समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप में से काफी लोग तो वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।